हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो मैं बनाऊंगी सिंपल सा, जिसमें मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। तो फ्रेंड्स, जो आंवला है वो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये हमारी आंखों को, हमारी स्किन को, हमारे बालों को और इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है, तो इसे लेना काफ़ी अच्छा है। लेकिन कच्चा खाना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी कड़वा होता है। तो इसलिए मैं मुरब्बा बना रही हूँ, ताकि मीठे में ये आराम से सब लोग खा पाएँ उसे, और हमें इसके बेनिफिट मिल पाए। तो फ्रेंड्स, मैं तो बना रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और मैंने इस काम में दादी को लगा दिया है, क्योंकि दादी आई हुई है तो मुझे काफ़ी काम में मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारी बालकनी में अच्छी धूप भी रहती है, तो दादी काम में लग चुकी है। मैं तब तक ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। धूप खिली हुई है, और जो हमारी बालकनी है वहाँ पे सुबह के टाइम पे अच्छी धूप आ जाती है, जिससे मॉर्निंग का काम जो है धूप में बैठ के आराम से हो जाता है। आंवले बॉईल करके अब हम लोगों ने ऐसे बाहर रख दिए है, क्योंकि अब इसमें से जो पानी है वो खुद थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक आंवले धूप में सूख रहे हैं, कम से कम एक दो घंटे हमने वो छोड़े हुए धूप में सूखने के लिए, तब तक मैं एक छोटी सी पेंटिंग बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पुरानी घड़ी जो ख़राब हो चुकी थी, उसका शीशा बचा हुआ है, तो मैं उसमें एक छोटी सी पेंटिंग बनाऊंगी। जो फ्रंट का पेंटिंग है वो हम लोग ब्लैक कलर से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये है वो फाइनल ग्लास पेंटिंग जो मैंने अभी कंप्लीट करी है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंटिंग थी वो तो कंप्लीट हो गई, इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, और दो घंटे हो गए हैं जो हमने आंवले सूखने के लिए बाहर रखे हुए थे धूप में, वो भी सूख चुके हैं। तो अब मैं जो मुरब्बा है उसे बना लेती हूँ, चीनी की चाशनी बना के उसमें ये जो आंवले हैं उन्हें डाल के बॉयल कर लेते हैं। हमने जो बॉयल किए हुए आंवले थे उनमें से पानी हटा के उनको इस चाशनी में डाल दिया। अब इस चाशनी में डालने के बाद एक उबाल जब आ जाता है, उसके बाद इसे हिलाने के बाद ऐसे हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसे बॉईल करते रहें एक घंटे तक, और कम आंच में। फिर उसके बाद, लेकिन बीच बीच में इसे हिलाते रहना है, क्योंकि नीचे से जले ना। एक घंटे के बाद हम देखेंगे कि इसका कलर कैसे चेंज हो रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी।
मुरब्बा बन के रेडी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। जो मैं मुरब्बा बना रही थी वो बन के तैयार हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर उसे हम खा सकते हैं आराम से। और जो नई पेंटिंग मैं बना रही थी, छोटी सी पेंटिंग है ग्लास पे बनी हुई है, वो भी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।